मैं सजेस्ट थोड़ी ना कर रहा हूँ कि तुम आर्य के लिए कुक बन जाओ, वो तो तुम 7 जन्मों में भी नहीं बन सकती। बट कुछ तो ऐसा स्पेशल होगा ना कि जो तुम कर सकती हो जिससे आर्य के चेहरे पर स्माइल आ जाए। मुझे बेब्स के चेहरे पर स्माइल लाने इच्छे से आती थी। तो तुम्हारे को छोटी बेब समझ लो। What can you do for her? जो उसे अच्छा लगता हो। अब आधे को क्या अच्छा लगता है? वो तो ना यार बस दिन भर टीवी शोज देखती रहती है या फिर मूवीज देखती रहती है। Of course. उसे ना मेरे साथ बैठ के हॉरर मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है। हॉरर मूवीज? तुम 5 साल की छोटी सी बच्ची को हॉरर मूवीज दिखाती हो? शट अप यार, वो रियल वाली थोड़ी ना, टॉक मतलब कॉमिक हॉरर मूवीज, वो कार्टून वाली। मैं काम करती हूँ, खूब सारी डीवीडीज मंगवा लेती हूँ, फिर मैं और आर्या साथ में बैठ के मूवी मैराथन देखेंगे। देव गो, देखा मेरे ऑमलेट का काला जादू? काला जादू? तुम्हारे दिमाग की बत्ती जला दी। वेरी फन। अच्छा लिसन, आज के लिए तुम रेस्टोरेंट के मैनेजर कम हेड शेफ कम एवरीथिंग, ओके? व्हाट? व्हाट व्हाट? आइडिया दे तो फॉलो भी करने दो ना यार। कम ऑन, इतनी रिस्पांसिबिलिटी तो तुम संभाल ही सकते हो। तो फंस गया शेफ नील, और दो आइडियाज। आज होगा सिस्टर्स डे, मैं और आर्या साथ 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 में पॉपकॉर्न और मूवीज। ओह माय गॉड, बी सो मच फन। मैं बहुत एक्साइटेड होगी। आज मैं काम करती हूँ, तुम्हारी छोटी मैडम को ना मैं ही बस स्टॉप से पिकअप करने जाऊंगी। आज आए तो ऐसा सरप्राइज दूंगी ना कि बस पूरा अपना गुस्सा भूल जाएगी, साथ में पुराने बातें भूल जाएगी। इधर ही आएगी ना? हाँ बस। स्वीटी, आपने आर्य को देखा? आर्य कहाँ पर है? आर्य को सरोज मैमी लेके चली गई, लास्ट पीरियड खत्म होने से पहले मैम से परमिशन लेके आर्य चली गई, हमारे साथ बस में भी नहीं आई। मिनी अब आज रेस्टोरेंट नहीं गई, आर्य को लेने खड़ी है। यार मैं बता रही हूँ, सरोज मामी ना इनका ज्यादा हो रहा है अभी, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। क्या किया उसने? आज हदी कर दी उन्होंने, आर्य को स्कूल खत्म होने से पहले स्कूल से ले गई, पता नहीं कहाँ। पर तुम मेरी चिंता ना कर, अपनी मामी के साथ ही है ना, तो आ जाएगी। नहीं बीजे, आप नहीं समझ रहे हो, आप जानते हो ना सरोज मामी कैसी है एंड क्या इंटेंशन है उनका। अब पता नहीं क्या क्या जहर भर देंगे आर्य के मन में मेरे खिलाफ वापस। मैं नहीं रहने दे सकती आर्य को सरोज मामी के साथ, मैं ढूंढने जा रही हूँ उसे, ठीक है? हाँ मैं भी आती हूँ। हाँ अब भी खाओ ना। नहीं नहीं मेरी गुड़िया रानी, तू इतने मन से खा रही है ना, तुझे देखकर मैंने तो जैसे गंगा ही नहा लिया हो। तुझे कुछ और चाहिए? मंगवाऊं तेरे लिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आज आपको बर्थडे है क्या? पिज्जा खाने के लिए मामी का बर्थडे होना जरूरी है क्या? तेरा जब भी जो भी खाने का मन हो ना, बस मुझे कह दिया कर, ठीक है? आर्या मैं क्या कह रही थी, तू कुछ दिन मेरे साथ रह ले, तेरा कुछ दिन तेरी उस नटखड़ी दीदी से पीछा भी छूट जाएगा। बहुत मारा था ना तुझे उसने, वो बात बात पे तेरे ऊपर गुस्सा करते रहती है ना? गुस्सा भी और मारती भी रहती है। ओ, बहुत मारा था ना तेरी मिन्नी दीदी ने तुझे। सुटंकी, कम लेट्स गो। नहीं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। अरे मिन्नी इसे पिज्जा तो खाने दे, ऐसे भी क्या बेदर्दी। चलो मम्मी आपसे बीच में मत ही बोली प्लीज। टंकी आज आपको पता है क्या, मैंने तो आज काम से भी छुट्टी ले ली है ताकि मैं और तुम साथ साथ मिलके टाइम स्पेंड कर सके, खूब एंजॉय करें। कम लेट्स गो ना, आ जाओ कम टंकी। नो कम ना टंकी प्लीज। नहीं
यार चिटन की मैं एक बार बोल रही थी, मैं समझ नहीं आ रहा है, फिर मुझे वापस गुस्सा आ जाएगा। अरे मिन्नी तू क्या बात बात पर इस बच्ची को डांटते रहती है? रुजमा मैं अब तो रहने दो, मुझे पता है किस बात का बदला निकाल रहे हो और क्या करने की कोशिश कर रहे हो। बदला? और मैं बताओ अब क्या मैं अपनी दीदी की बेटी को पिज्जा खिलाने भी नहीं लेकर आ सकती? आर्या चलो आ जाओ घर में, ना दादू और रानी दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं और सब बहुत परेशान हो रहे हैं, ऐसा तो हम घर में भी मंगवा सकते। मिनी मैं ना आर्या को लेकर जाती हूँ, तू ये पिज्जा पैक करा कर ले। चलो आ जाओ मेरे बच्चा, अपनी बीजी के लिए आ जाओ। और अच्छा अगर आपको पिज्जा खाना हो ना तो मुझे ये वीर बालिका को बोल दिया करो, और वीर बालिका को नहीं बोलना है ना तो नील को बोल देना, नील तो इतना अच्छा पिज्जा बनाता है। सरोजमा मैं बारे को स्कूल से क्यों लेने गए थे? अरे मिन्नी तू तो हर बात पे मेरे ऊपर इतना क्यों भड़क जाती है? अरे कल आर्या का मूड खराब था तो मैंने सोचा मैं उसे सरप्राइज दे दूं। मैं आर्या की मामी हूँ और आर्या मेरी भांजी है, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी तो फिर कौन सोचेगा? और तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? उसकी लीगल गाड़ी, वो क्या करेगी कहाँ जाएगी वो मैं डिसाइड करूंगी, और उन स्कूल वालों को भी ठीक करती मैं जरा, ऐसे कैसे मुझसे बिना पूछे आपके साथ भेज दिया उन्होंने आर्या को। अरे रे तू ना राई का पहाड़ बना रही है, अरे एक पिज्जा ही तो खिलाया मैंने उसे और क्या। जो पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स खिला पिला के आप जो करने की कोशिश कर रहे हो ना मामी जी, जो साजिश कर रहे हो आप हमारे खिलाफ, मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है। सो प्लीज डोंट ट्राई, क्योंकि यू नो व्हाट, हम दोनों बहनों को अलग करने में ना आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मिन्नी तो हमेशा अपनी मामी को गलत समझती आई है बेटा, पता नहीं तेरे मन में मेरे खिलाफ किसने इतना जहर घोल रखा है। पता है जैसे मेरे लिए आर्या है बिल्कुल वैसे ही मेरे लिए तू है। दीदी देखो तुझे जेवी कहा सी ना कि सब इंतजाम करता, देख लो कुछ रहता नहीं गया ना। ठीक है। और ये देखो नील भैया ने ना चटनी भिजवाई है रेस्टोरेंट तो बना के, कहंदे एनु ना नाचो नाल खांदे ने। चटनी नहीं रानी थी डिप, डिप बोलते हैं से। की हो गया दीदी तुसी बड़े परेशान जे लग रहे हो? सरोज मम्मी का समझ नहीं आ रहा यार मुझे, छोटे से बच्चे के दिमाग में पता नहीं क्या क्या डाल रही है, लालच देके उसे अपने साथ करने की कोशिश कर रही है। रिलेशन वाइज मामी लगती है मेरी, बेब्स के भी इतनी क्लोज थी, कुछ बोल भी नहीं सकती मैं ज्यादा उन्हें। डिस्टर्बिंग। दीदी रिश्तेदार ना सब ऐसे ही होते, पर छोड़ो तुसी जान दो, तुसी ना आर्या ते ध्यान दो, उसे मना लो वो बहुत ही गुस्से में है, आप दोनों बहनें ना फिर से एक जैसी हो जाओ, फिर देखना ऐसी सैकड़ों सरोज मामिया भी ना कुछ नहीं कर पाएंगी। हाँ you're right, anyways आर्या है कहाँ? अपने कमरे में ऐसे मुंह फुला के बैठी है, बड़े गुस्से में है, बीजी मना रहे ने। काम करो, मैं सोच रही हूँ मतलब मुझसे नाराज है ना तो मुझे मनाना चाहिए उसे। आप उसे बाहर बुला के लेकर आओ ना, एक बार बुला लोगे ना, उसके बाद ये उसका पिज्जा पैक करा के लाई थी, उसे बहुत पसंद है खाना, तो ये माइक्रोवेव में गर्म कर देना। जी दीदी हम बुला ले आओ। Back to Manaria Stars once again. वीर बालिका ने की मंगवा के रखा है ना बीजी।
ओहो चिप्स, चिप्स नहीं नाचोस, इन नाचोस है। हाँ नाचोस, मुझ बुढ़िया को थोड़ा ना फर्क पता चलता है, पर तुझे तो पसंद है ना। हाँ तो खा ले। आर्या पता है वैसे नाचोस मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे भी फेवरेट है। तो मैं नहीं खाऊंगी। क्यों आर्या? बोल दिया ना नहीं खाना। अच्छा ओके कोई बात नहीं, नहीं खाना तो मत खाओ, बट ये देखो ये तुम्हारी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक ऑरेंज वाली, ये तो पियोगी ना। अच्छा ये देखो पॉपकॉर्न है, तो चिप्स भी है। अच्छा पिज्जा तो खाओगी ना जो तुम खा रही थी बाहर, मैंने पैक करवा लिया था। रानी नहीं जाओ जाओ लेकर आओ। जी बीजी इससे कह दो मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं बात करनी ना कर, लेकिन ये देखो मैं क्या लाई हूँ, कॉमिक हॉरर फिल्म्स यार, तुम्हारी फेवरेट है ना, ये तो देखोगी ना। You know what am I thinking? हम दोनों बहनें ना साथ में मिलके देखेंगी, बहुत मजा आएगा, है ना? तुम मुझे हग करने की कोशिश मत करो हाँ, और मुझे कोई हॉरर फिल्म नहीं देखनी है। अरे एटीट्यूड तो देखो जरा इसका। वैसे टेल यू वन थिंग, इसे गुस्से में ना तो और भी क्यूट लगती है। मैं तो करूंगी हग और जोर से करूंगी, और मैं क्यूट नहीं करूंगी हग, हाँ बाय 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 बाय, मैं तो और जोर से करूंगी। और मैंने कहा ना मैं टच करने की कोशिश मत करो। आर्या तुम्हारी बड़ी बहन है ना, ऐसे थोड़ी ना गुस्सा करते। बहन है तो बहन बन के रहे, मेरे ऊपर हुक्म ना चलाए, मैं नहीं सुनने वाली। इसको क्या लगता है पहले मम्मा के ऊपर हुक्म चलाएगी और अब मेरे ऊपर? सुनो बीजा आपने क्या बोला इसने, ये सब सरोज मामी ने सिखाया तुम्हें। किसी ने नहीं सिखाया, तुम्हें क्या? वैसे भी मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तू ऐसे कैसे बात नहीं करूंगी बोल, पता है तेनु मना लेना वीर बालिका ने किन्ने जतन किते हैं, देख मूवी लाई है, ये खान पीन दी चीजें मंगवाई ने, और ये पिज्जा। आर्या खाना क्यों गिरा, क्या किया तुमने? मेरी मर्जी। आर्या मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, ये कह के तुम अपनी जान नहीं छुड़ा लोगी? पूछ रही ना कुछ, व्हाट डिड यू डू इट बोलो। बिकॉज आई हेट यू वीर बालिका, आई हेट बेटी, आई हेट रानी दीदी, आई हेट एवरीबॉडी। इनाफ इज इनाफ ओके, बहुत बदतमीजी कर रहे हो आजकल, किसी की बात नहीं सुनती है लड़की। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात, क्या करोगी? मारोगी ना, मारो जितना मारना है मारो, लेकिन मैं फिर भी नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात। मुझे सब कुछ पता चल गया, तुम्हें मम्मा को बहुत रुलाया था, बहुत रुलाया था तुमने मम्मा को, बहुत तंग किया था। तरुण मामी ने मुझको सब कुछ बता दिया है, तुम बहुत गंदी हो वीर बालिका। और क्या क्या बताया सरोज मामी ने तुम्हें? कि तुम पापा को भी हेट करती थी और मुझको भी करती हो, छुटंगी छुटंगी करी, मुझे नकली प्यार दिखाती हो और अंदर से सेल्फिश हो तुम, हो ना? I hate you.
क्या हुआ? What's wrong? ये सब किसने गिराया? छोड़ के जाओगी कहाँ छोटी मैडम? कहीं पर भी, लेकिन दीपाली का साथ नहीं रहूंगी। लेकिन कुछ तो सोचा होगा ना, मतलब बाहर इतनी ठंड है, रहोगी कहाँ, खाना क्या खाओगी? मैं ना सरोज मामी के घर चली जाऊंगी। सरोज मामी ने मना कर दिया तो? कभी मना नहीं करेंगी, वो ना मुझे बहुत प्यार करती है। मुझे बोल भी तो रही थी उनके पास रहने के लिए। एक बार ना फिर से सोच लो छोटी मैडम, एक बार। तुम मेरी साइड हो या वीर बालिका की? मैं तो आपकी साइड हूँ छोटी मैडम। आई नो, मुझे भी ना बहुत गुस्सा आता अगर वीर बालिका ने मुझे थप्पड़ मारा होता, रियली बहुत गुस्सा आता। लेकिन आपने जो किया वो भी ठीक नहीं था। आपने सारा खाना फेंक दिया, नाचोस के साथ मैंने जो स्पेशल डिप सॉस भेजी थी आपने वो भी गिरा दी। वो सॉस तुमने बनाई थी? और क्या, वीर बालिका को थोड़ी ना आती है सॉस सॉस बनानी। वो तो बहुत बुद्धू है। हाँ बिल्कुल बुद्धू है वो। लेकिन दिल की बहुत अच्छी है ना, आपको कितना प्यार भी तो करती है। अब जाने दो ना छोटी मैडम, माफ कर दो। Never. छोटी मैडम, इतना stubborn होना भी अच्छी बात नहीं होती। तुम्हें वीर बालिका ने भेजा ना मुझे मनाने के लिए, मैं जा रही हूँ। मैं नहीं हटूंगी। मुझे जाना है। तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारी बड़ी बहन। तुम मेरी बड़ी बहन नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो। अरे ऐसा नहीं कहते ना। कोई बात नहीं बीजी, बोलने दो उसे। फाइन। और क्या हूँ मैं? और क्या क्या बोला सरोज मामी ने? मैं दुश्मन हूँ और क्या हूँ? ओ और तुम घमंडी हो, घमंडी। और तुम ना लड़ाकू हो, लड़ाकू जो सबसे लड़ती। अच्छा और मैं आंसर भी नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। आर्या तुम कहीं नहीं जा रही हो, एंड दैट्स फाइन। देखो तुम्हें मुझे जो भी बोलना, जितना भी बुरा बोलना है बोल लो, आई डोंट केयर। लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। अरे मैंने बोल दिया ना एक बार, तुम नहीं जाओगी। You understand that's final? तुम कौन होते final बोलने वाली? Final मैं बोलूँगी। तुम मेरी मदर नहीं हो, तुम मेरी सिस्टर हो, इक्वल हो तुम मुझसे, बराबर। सॉरी आर्या, लेकिन मैं इक्वल नहीं हूँ, बड़ी हूँ तुमसे, और ये बात अच्छे से समझ लो आप, ओके? जो मैं बोलूंगी आप वैसा करोगे, यू अंडरस्टैंड? अच्छा तो कराकर देख लो। Don't challenge me, Arya. I'm challenging you. Arya, देखो मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करोगे तो रोते मत बैठना। नहीं रोऊंगी। मिनी प्लीज, इस कॉन्वर्सेशन को यहीं रोकते हैं। हाँ मिनी, बात बढ़ जाएगी। निजी बात यहीं रुक सकती है, लेकिन उसके लिए आर्या को अपना बैग रखना होगा, सरोज मम्मी के घर जाने की जिद छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज गेट रेडी फॉर पनिशमेंट।
आर्या, ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें. That's it. You asked for it. Remove this bag. मिनी. ना ही सरोज मामी के पास आप इस रूम से भी बाहर नहीं निकलोगे. एंड सब रूम से बाहर जाइए प्लीज. प्लीज. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.